नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मदेशा। यूपी के कौशाम्बी जिले के कोकरास थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव को पेट्रोल डालकर जला दिया और पत्नी के गायब होने की अफवाह फैला दी। जांच के दौरान पुलिस को शिकायतकर्ता संदिग्ध प्रतीत हुआ तो पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने मामले का खुलासा स्वयं कर दिया। पुलिस ने आरोपी आर्मी क्लर्क और उसके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना के पीछे बताया जाता है कि आर्मी क्लर्क अपने भाई की पत्नी से अवैध संबंध बनाकर रहता था, जिसके चलते आर्मी क्लर्क की पत्नी विरोध करती थी और यही उस महिला की हत्या का कारण बन गया। घटनाक्रम के मुताबिक कोकरास थाना क्षेत्र के नरवरपट्टी गांव निवासी भारत लाल की पुत्री सविता सिंह की शादी इसी थाना क्षेत्र के बरकतपुर गांव निवासी कुंवर सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही सविता सिंह का उत्पीड़न शुरू हो गया। बताया जाता है कि कुंवर सिंह आर्मी में ऊपर क्लर्क के पद पर तैनात है और उनके भाई की पत्नी से उनके नाजायज संबंध है। सविता सिंह ने पति की हरकत का विरोध किया, लेकिन यह बात पति को नागवार गुजरी और दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। 30 जनवरी को विवाहिता सविता सिंह की हत्या करने के बाद लग्जरी कार में उसकी लाश को रखकर आर्मी क्लर्क कुंवर सिंह और उसका भाई विक्रम सरोज गंगा नदी के किनारे संदीपन घाट पहुंचे और विवाहिता के शव को 10 लीटर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। वापस आकर अफवाह फैलाई गई कि विवाहिता फरार हो गई है, लेकिन यह बात विवाहिता के मायके के लोगों को समझ में नहीं आई और उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने विवाहिता सविता सिंह को खोजना शुरू किया तो जांच के दौरान मालूम हुआ कि मामले में विवाहिता का पति आर्मी क्लर्क कुंवर सिंह संदिग्ध है। पुलिस ने कुंवर सिंह से पूछताछ शुरू की और जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने गुनाह से पर्दा उठा दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने विवाहिता का नर कंकाल सिर हड्डी बरामद किया और लग्जरी वाहन को बरामद कर आर्मी क्लर्क कुंवर सिंह उसके भाई विक्रम सरोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सर, एक हत्याकांड का खुलासा हुआ, क्या है पूरा? देखिए, आज दो लोगों की गिरफ्तारी हुई, एक विक्रम सिंह है और एक कुंवर सिंह है। थाना कोखराज में 2 तारीख को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जो कि एक सविता नाम की महिला के पति कुंवर सिंह के द्वारा दर्ज कराई गई थी। इसी की जब जांच पड़ताल की गई और सारे परिजनों से जब बात की गई तो मायके पक्ष के द्वारा पति के ऊपर आशंका व्यक्त की गई और इस मामले में गुमशुदगी के बाद में इसमें 364 की बढ़ोतरी की गई और फिर डिटेल में पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि महिला के पति कुंवर सिंह के द्वारा 30/31 को ये लोग उस महिला को अपने घर ले गए और इसको इधर उधर घुमा के और 31 की रात्रि में इनके द्वारा उसका मर्डर कर दिया गया और थाना कोखराज के संदीपन घाट के आसपास में इन्होंने उसको दफना दिया। दूसरे दिन ले जाके उसकी जो लाश है उसको कब्रिस्तान वहाँ से शमशान घाट पर ले जाके उसको जला दिया गया और सारे जो अवशेष हैं वो सब जो भी एविडेंस थे वो सब नष्ट कर दिए और उसके बाद में इन्हीं लोगों के द्वारा 2 तारीख को थाना कोखराज में जाके गुमशुदगी दर्ज कराई गई। हमारी SOG टीम और थाने की टीम के द्वारा इसमें काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद में ये सारी चीज़ों की जानकारी मिली कि इनके द्वारा उसका मर्डर कर दिया गया और मर्डर करने के बाद में ये सारी कार्रवाई करने के बाद में इनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी। तो ये जो कुंवर सिंह है और उनकी जो पत्नी है उनके बीच में काफ़ी दिन से एक वैवाहिक डिस्प्यूट चल रहा था और इनको कोर्ट की तरफ से 10,000 रुपये का एक गुजारा भत्ता भी मिलता था और इसी से परेशान हो के, मतलब इनका कहना है कि इसके परेशान हो गए थे और उनसे बार बार झगड़ा होता रहता था। इसी बात को लेके इनके द्वारा पूरी प्लानिंग के साथ में इस घटना को अंजाम दिया गया और बाद में सारे एविडेंस इनके द्वारा नष्ट किए गए तो इसमें आज इन दोनों की गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है और इस घटना का खुलासा किया गया है।